तो दोस्तों, अगर आप भी एक फेसबुक क्रिएटर हो या फिर अपने फेसबुक क्रिएटर बनना चाहते हो, मतलब फेसबुक पर काम करना चाहते हो, तो आपके साथ ये समस्या आज नहीं तो कल आएगा। क्योंकि फेसबुक का एक समस्या में से या फिर प्रॉब्लम में से ये प्रॉब्लम जो कि आजकल कॉमन हो चुका है, मतलब जो कि आपके साथ ये आना ही है। आप कितना भी ओरिजिनल कॉन्टेंट अपलोड करो, फिर भी आपके साथ ये समस्या आएगा। जैसे कि मेरी बात करें, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसे बैक करता हूँ, अब यहाँ पर लोगों में क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर वीडियोज में जाता हूँ। वीडियोज में जाने के बाद यहाँ पर देखो, ये जितने सारे कंटेंट देखोगे, ये सारे कंटेंट मेरा ही है, ये किसी दूसरे का नहीं है। जो वीडियो मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, वही वीडियो को यहाँ पर मैं फेसबुक पर डाल देता हूँ, क्योंकि पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, इस हिसाब से मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर जितने सारे कॉन्टेंट देखोगे, जितने सारे यहाँ पर कॉन्टेंट देखोगे, सारे का सारे ओरिजिनल कॉन्टेंट है। फिर भी यहाँ पर देखो मेरे सामने, मैं आपको दिखा दूँ, मोनेटाइजेशन में क्लिक करके मोनेटाइजेशन में जाते हैं और यहाँ पर मैं इनस्ट्रीम एड्स को ओपन करता हूँ। देखो इनस्ट्रीम एड्स, फिर यहाँ पर हम आगे जाते हैं। देखो यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यहाँ पर देखो ये क्रॉस है, इस जगह में देखो क्रॉस है। इसका मतलब है मैं इस कंटेंट मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है, इसका मैं फॉलो नहीं करता हूँ, इसे मैं फॉलो नहीं करता हूँ, इसके खिलाफ मैं काम करता हूँ। हालांकि मेरा सारे चीज ओरिजिनल है, फिर भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो आपके साथ भी होना जायज है, आपके साथ भी हो सकता है, आज नहीं तो कल। तो अगर आपके साथ ये समस्या हो जाता है, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो? मैं इसे अभी ठीक कर पाऊंगा, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बट मैंने अभी तक इसीलिए नहीं किए हैं। यहाँ पर अभी मेरे पेज पर फॉलोअर्स हुआ है 3240, कि जहाँ जरूरत है हमें 5000 का। तो जब 5000 के पास पहुंच जाएंगे हम, तब जो कि इसे हम ठीक करेंगे, इसीलिए मैं उतना अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ मेरा नहीं बताने वाला हूँ, आपका अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, ये सारा चीज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, पूरा चीजें समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों आता है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि फेसबुक का इसमें कहना क्या है, ये कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है, इसका खिलाफ हम काम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, ये कौन कौन तरीके से हो सकता है। पहले मैं आपको फेसबुक का दिखा देता हूँ, उसके बाद जो अपने खुद गलती करते हो, आपने जो प्रॉब्लम करते हो, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक करने का प्रोसेस भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में नहीं बीच में भी बता सकता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है, जब भी ये टाइम आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो पहले हमें जानना जरूरी है ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये जो ग्रीन है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूं फेसबुक इस बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, यहां पर क्या है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा। अब यहां पर देखो प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स यहां पर दिख जाता है, जो भी आपका प्रॉब्लम है मोनेटाइजेशन को लेके, कैन नॉट, यहां पर देख सकते हैं क्यों मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो। अब यहां पर सबसे पहला है क्या है, थोड़ा सा ऊपर में हो जाता है, देखो स्टैटिक वीडियो, क्या है स्टैटिक वीडियो। अब इसे जानने के लिए ये जो एरो है, इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको साफ साफ बताया जाता है क्यों आपका पेज जो है कि मोनेटाइज नहीं होता, या फिर ये पॉलिसी इशू आ जाता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यहाँ पर आपको अच्छे से बताया गया है, यहाँ पर देख सकते कंटेंट दैट कंटेंट्स ऑन स्टैटिक इमेज एंड टाइटल टू नो मोशन, मतलब जो कि आपने लॉन्ग वीडियो पर काम करना चाहते हैं। अब लॉन्ग वीडियो पर जब आप काम करना चाहते हैं फेसबुक पर, तो आपको जो है कि हिलने दुलने वाला कोई भी वीडियो चलेगा, लेकिन कोई स्टॉपेबल फोटो पर म्यूजिक लगा के उसे 3-4 मिनट का वीडियो नहीं बना सकते। अगर आपने बनाते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होता है, पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं, एक फोटो होता है ना, एक फोटो को चिपका देता है, फोटो को लगा देता है, 3 मिनट का बना देता है उसी फोटो को खींच के। अब खींचने के बाद उसमें कोई म्यूजिक लगा देते हैं और उसे 3 मिनट का वीडियोस बनाकर उसे अपलोड कर देते हैं फेसबुक पर। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताया गया। दूसरा यहाँ पर बताया गया है स्टैटिक इमेज पोल, इसे भी समझना है तो इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आपने कोई पोल क्रिएट करते हैं, पोल क्रिएट मतलब आपको पता होगा वोट करने की वाली बात, यस और नो में बताया जाता है ना कि आप यस में क्लिक करो नहीं तो नो में क्लिक करो। तो अगर आप वहां पर भी स्टैटिक इमेज का इस्तेमाल करते हैं पोल में, तो भी आपको मोनेटाइज नहीं मिलेगा। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर देखो स्लाइड शो ऑफ इमेज, जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे इमेज में क्या होता है, स्लाइड शो होता है, एक के बाद एक इमेज आता है, एक के बाद एक इमेज आता है, म्यूजिक चल रहा है और उसमें क्या हो रहा है, एक के बाद एक इमेज आ रहा है। तो आप अगर उस तरह का वीडियोस भी बनाते हो, उस तरह का वीडियोस भी अपलोड करते हो, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा और आपको जो है कि मोनेटाइज नहीं दिया जाएगा, आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। अब थोड़ा आगे जाते हैं, लूपिंग वीडियो, यहाँ पर देख सकते हैं लूपिंग वीडियो, इसके बारे में जानने के लिए फिर से आप यहाँ पर क्लिक करो,
इसमें भी आपको अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर देखो कंटेंट दैट लूप्स एंड डिस्प्लेज द सेम सेगमेंट मल्टीपल टाइम्स, जैसे ही क्या करते हैं छोटा छोटा क्लिप है, छोटा छोटा क्लिप मतलब मान लेते हैं 5 सेकंड का एक क्लिप है, फनी रिलेटेड क्लिप है, और उसी क्लिप को बार 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 लगाते लगाते उसे 3 मिनट बना दिया, मतलब जो कि एडिट करके उसे 3 मिनट का एक वीडियो बना दिया एक सेम चीज को, 5 सेकंड का एक जो भी गिफ्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये चीज भी बताया गया इंक्लूड गिफ्ट, जैसे गिफ्ट हो सकता है, तो उस गिफ्ट को यूज करके वो 5 सेकंड का क्लिप को वो 2 से 3 मिनट बना दिया है। अगर आप भी इस तरीके से काम करते हैं ना भाई, तो आपका भी मोनेटाइज नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट मोनेटाइज, सॉरी ऊपर चला गया, देखो टेक्स्ट मोनेटाइज, तो इस पर आप क्लिक करो, इस पर क्लिक करने के बाद चेकआउट करो, कंटेंट दैट प्राइमरी डिस्प्ले स्टिल और मूविंग इमेज विथ ओवरलेड टेक्स्ट। तो ऐसा वीडियो जैसे कि यहाँ पर जो बताया गया है कि आपने कोई टेक्स्ट का यूज करते हैं वो ओवरले में स्क्रॉल हो रहा है, जैसे कि इस साइड से मान लेते हैं इस साइड से क्या हो रहा है, इस साइड में जा रहे हैं और इस नीचे से ऊपर में जा रहे हैं, कुछ इस तरह से होते रहता है, तो इस तरह का अगर आपने इमेज का मतलब टेक्स्ट का यूज करते हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। एम्बेडेड एड्स यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर भी क्लिक करो, जान लो भाई पूरा सिस्टम जब तक नहीं समझोगे तब तक जो है कि आपका प्रॉब्लम आता रहेगा। कंटेंट दैट ऑलरेडी इंक्लूड एम्बेडेड प्री रोल मिड रोल पोस्ट रोल एंड बैनर एड्स वेयर फेसबुक ऑफर्स एड प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो दैट इंक्लूड मैनुअली इंटरेस्टेड मिड रोल्स एड इन एलिजिबल फॉर इन स्ट्रीम एड्स, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा वीडियोस का उपयोग किया है, जैसे कॉपी पेस्ट है, तो कॉपी पेस्ट में आपने ऐसा ये वीडियो का उपयोग किया है जिस वीडियो पर ऑलरेडी बीच में ऐड लगा हुआ है, बीच बीच में अगर ऐड लगा होगा तो ये जो फेसबुक है फेसबुक कहाँ पर ऐड लगाएगा, तो उस तरह का पेज उस तरह का वीडियो पर भी मोनेटाइज नहीं मिलेगा, उस तरह का वीडियो अगर रहता है आपका पेज पर तो भी आपको मोनेटाइज नहीं मिलेगा। अब उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स, मतलब जो कि आपका गलत बिहेवियर, ये सारा चीज़ मैं आप लोग क्यों बताता हूँ भाई, ये सारा चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत करते रहोगे और आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा और आप जो कि फेसबुक से पैसा भी नहीं बना पाओगे। देखना है देखो कोई दिक्कत नहीं, लंबा वीडियो हो सकता है अच्छे से समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखो एंगेजमेंट बेट, ये अगर आपने गलत करते हैं, जैसे कि आपने किसी से बोलते हैं कि भाई मेरे को लाइक कर शेयर कर तो मैं भी तेरा वीडियो शेयर करूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये भी आपके लिए गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सोशल एंगेजमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा चीज भी आप नहीं कर सकते, आपको ये सारा चीज बताया गया है, देख सकते हैं मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो वो तो सारे हो गए आपका गलत बिहेवियर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरी है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड लगाया गया है, जैसे कि डिबेट सोशल इशू, आप सोशल इशू के ऊपर डिबेट नहीं कर पाओगे, ट्रैगडी यहाँ पर देख सकते हो और कॉन्फ्लिक्ट ये भी नहीं कर पाओगे, ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी जैसे किसी चीज पर ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन में से क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा चीज आप नहीं कर सकते, फ्रॉड है, ब्रिबरी है, इनसाइडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग है, हैकिंग है, ये सारा चीज पर आप जो कि बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्सुअल सजेस्टिव एक्टिविटी, जैसे कि सेक्सुअल के ऊपर आपने कोई सजेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, टाइमिंग अच्छा चलेगा, जो भी हो, इस तरह का चीज़ आप यहाँ पर नहीं बता सकते, जैसे कि यहाँ पर वो सारा चीज़ बताया गया है न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल पोजेज, सजेस्टिंग डांसिंग, ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप नहीं कर सकते अपने वीडियोज़ पर। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, आप जो कि अपना गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि सेक्सुअल वर्ड्स का, उसके बाद यहाँ पर देख सकते प्रोफेनिटी, यहाँ पर देख सकते हैं वल्गर मोशंस, ये सारा चीज़ आप नहीं कर सकते, ये सारा चीज़ आपको दिखाया जाता है भाई। अब यहाँ पर देखो एक्सप्लिसिट कंटेंट, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा चीज़ भी आप नहीं कर सकते, तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर गाइड किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर कैटेगरी भी दिया गया है जो गलत कैटेगरी में आता है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन, आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं दे सकते, जो आपको नॉलेज है आप उतना दीजिए, बाकी मत दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, जो रियलिटी है वो बता दीजिए, बाकी कोई करेगा कोई देखेगा कि नहीं देखेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने फेसबुक पर कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि गलत है, जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, फिर भी आपने इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फेसबुक का कहना कि अगर बात करें तो आपने ये सारा चीज नहीं कर सकते, आपने अगर ये सारे काम करते हैं तो आपको ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपके पेज पर भी आएगा। अब यहाँ पर मैं ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करता हूँ भाई, मैं ये सारे काम करता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ ये एक समस्या क्यों? देखो यार, आपने जब पेज क्रिएट करते हैं तो उससे पहले आपने एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जिस प्रोफाइल के थ्रू आपने पेज बनाते हैं। अब वो पेज जब बनाते हैं आप प्रोफाइल के थ्रू, तो प्रोफाइल से क्या करते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों का दोस्ती है,
क्या होता है, बहुत सारे लोगों का दोस्ती होता है, बहुत सारे चैनल्स आता है, बहुत सारे अलग अलग तरह का वीडियोस आते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने पेज से तो कोई गलत बिहेवियर नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने प्रोफाइल से जो है कि खुलेआम काम करते हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त ने एक गलत पोस्ट कर दिया, अब उस पर कमेंट कर दिया गलत तरीके से। जैसे कि कोई राजनीतिक वीडियो है, उस पर आपने गलत एक्शन में पोस्ट कर दिया, गलत आपने क्या किया, कमेंट कर दिए, तो वो जो इफेक्ट है आपका प्रोफाइल वाला जो इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट आपका पेज में पड़ेगा। जिस वजह से क्या होता है, हम लोग ओरिजिनल कॉन्टेंट तो डालते हैं, फिर भी हमारे साथ ये जो है कि प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ये प्रॉब्लम फिर भी हमें देखने को मिलता है इस वजह से, जो कि आपका पेज तो सही है, पेज सही सलामत है, लेकिन आपने थोड़ा सा गलती कर देते हैं। कहां पर, आप जो कि अपने प्रोफाइल से जो कि लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, मतलब जो कि टाइप में झगड़ा करते हैं, कमेंट में झगड़ा करते हैं, या फिर कोई गलत वीडियो पोस्ट करते हैं, या फिर कोई गलत वीडियो शेयर करते हैं, या फिर अपने क्या करते हैं, किसी दूसरे का वीडियोज को उठाकर डाल देते हैं। गलत अपने पेज पर नहीं किए हो, फिर भी आपके इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपना प्रोफाइल को भी सेफ रखना है। अगर अपने पेज पर काम करते हैं, पेज से पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो जिस तरीके से आपका पेज सेफ है, पेज पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसी तरीके से आपको प्रोफाइल को भी सेफ रखना होगा, तभी जो कि आप यहाँ से मतलब फेसबुक से पैसा बना सकते हो। तो यहाँ तक सही है, मैं अब अगली बार से ये सारे काम नहीं करूँगा। लेकिन हम इसे ठीक कैसे करें, ठीक करने का रास्ता एक ही है, जो मेन रास्ता है। आपको करना क्या है, आपका प्रोफाइल में जाना है, चेकआउट करो, देखो कोई वीडियो शेयर है तो उसे डिलीट कर दो, कोई पोस्ट शेयर है डिलीट कर दो, कोई वीडियो आपने ऑलरेडी अपलोड किया हो तो उसे डिलीट कर दो, किसी के साथ गलत कमेंट किया हो उसे हटा दो। अब हटा देने के बाद आप अपने पेज पर दो एक बार लाइव आ जाओ, लाइव आने के बाद फिर से वीडियोस अपलोड करो, फिर से लाइव आ जाओ बीच बीच में, तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि फेसबुक को ये गलत लगता है, तभी जो कि आपके साथ ये समस्या होता है, नहीं तो आपके साथ ये समस्या नहीं आएगा। तो मेरा जो ये प्रॉब्लम है, मैं खुद जो कि रियलाइज किया हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल से जो इस समय जो राजनीतिक माहौल चल रहा था, तो इसी को लेके मैंने कुछ पोस्ट किए थे, मतलब जो कि पोस्ट भी किए थे और उसके साथों साथ मैंने वीडियोस को शेयर भी किए थे, जिस वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। इसीलिए मैं इस समय चुप हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। ये प्रॉब्लम ठीक होने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब मैं लाइव करूंगा, लाइव करने के बाद कुछ दिन लाइव करने के बाद, चाहे 15 दिन में क्लियर हो या फिर 20 दिन में क्लियर हो, एक महीना दो महीना लग जाए, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, ये पक्का हो जाता है और सबका होगा। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम में से आ चुका है, तो आपको ये सारे चीज ध्यान में रखना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका प्रोफाइल, जिसे आपको सेफ में रखना होगा। आई होप आपको पूरा चीजें क्लियर हो गया होगा कि ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है एक्चुअली क्यों आता है। तो आता है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ये रास्ता बता दिया। तो आप ऐसे काम करो, आप खुद का कंटेंट पर काम करो और उसके साथों साथ प्रोफाइल को सेफ रखो कम से कम। इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इस तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।